my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. So today we are going to complete the last portion of second chapter, that is motion. और उसका जो last portion जो बच गया था वो है mass and weight. तो ये last topic है, इसके बाद chapter खत्म हो जाएगा. So now without wasting any time, let's get started with the video. Okay, देखो mass and weight. अभी common uses में अगर हम लोग देखें तो mass and weight को लोग same ही सोचते हैं, same ही consider करते हैं. लेकिन दोनों के बीच में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है. देखो मास क्या होता है. एक्चुअली मास का मतलब होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर विच इज़ प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट को मैं ले लूँगी, जैसे कि मैं इस ऑब्जेक्ट को ली हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, कितना मैटर इसमें प्रेजेंट है, उसको अगर हम लोग नाप लिए, मतलब हम लोग मास को मेजर कर लिए, ठीक है. तो ये जो फर्स्ट लाइन है ना, वो डेफिनेशन है किसका, मास का. इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट, तो मास हम लोग उसको बोलते हैं. लेकिन जो वेट है वो डिफरेंट है. देखो एक्चुअल में वेट क्या होता है ना, वेट होता है मास, एम फॉर मास, मास इंटू जी कर देते हैं. लेकिन मास का मतलब सिर्फ मास ही होता है, ठीक है. यहाँ पर जो एम है वो मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो जी है वो मैं बता देती हूँ. जी यहाँ पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी को, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, वो आप लोग थोड़े हायर क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है. लेकिन वेट का अगर हम लोग बात करते हैं कि वेट क्या होता है, तो वेट एक्चुअली एक फोर्स होता है. फोर्स मतलब एक ताकत होता है विथ विच आवर बॉडी इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ. मतलब अर्थ जो होता है ना, जैसे कि अर्थ का बात करूँगी मैं, जमीन का बात कर रही हूँ, ठीक है. हम सबको पता है कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर ऊपर से लाइक अगर हम लोग उसको रिलीज करते हैं, ठीक है, छोड़ते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट किधर जाता है, नीचे की तरफ आता है. आप लोगों को तो ये चीज़ एकदम पता होगा. कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप लोग ऐसे छोड़ोगे ऊपर से, तो वो किधर जाएगा, वो नीचे की तरफ ही आएगा. तो वो नीचे की तरफ क्यों आता है, ये कभी सोचे हो आप लोग कि नीचे की तरफ ही क्यों आता है. क्यों, क्योंकि जो हम लोग का अर्थ होता है ना, वो एक बहुत ही स्ट्रांग फोर्स, ताकत से हम सब को अपने तरफ खींचता है. वो फोर्स इनविजिबल है, वो हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है. ऐसा नहीं होता है कि अर्थ अपना हाथ बाहर निकाल के चीज़ों को अपने पास खींचता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है. वो इनविजिबल है. तो अर्थ, ये ज़मीन जो है ना, अर्थ ये एक फोर्स के साथ, उस फोर्स को बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है. उस फोर्स के साथ हर चीज़ों को जो कि जमीन से ऊपर है नॉर्मली, ठीक है, उनको वो अपने तरफ ऐसे पुल करता है, खींचता है. तो उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं वेट. और वो वेट का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है ये मैं अपनों को अभी से ही बता दे रही हूँ. ये वेट का फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मतलब हमारे मास में ये जी को इंटू कर देंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा वेट. तो देखो दोनों में कितना डिफरेंस है. सो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट में अमाउंट ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं मास. अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी होता है. मतलब इसका मतलब क्या, ये कांस्टेंट का मतलब एक्चुअल में होता है जो चेंज नहीं होता है, ठीक है. सो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है. मास आप लोग कहीं भी चले जाओ, आप लोग अर्थ में हो, आप लोग मून में चले जाओ, आप लोग कहीं भी चले जाओ, आप लोग पोल्स की तरफ चले जाओ, इक्वेटर की तरफ चले जाओ, मास में कोई चेंजेस नहीं आता है. मास जो है वही रहेगा, ठीक है. सो मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, वो बिल्कुल भी बदलता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए मास नहीं बदलता है. सो इट इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी, इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटी. इट डज नॉट चेंज विद टाइम, ये टाइम के साथ नहीं बदलता, प्लेस के साथ नहीं बदलता, मतलब ये बदलता ही नहीं है. इसका मतलब वही है कि डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस या टाइम टू टाइम, ये नहीं बदलता है. सो मास सिंपली क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट, और ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये टाइम के साथ प्लेस के साथ नहीं बदलता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये बिल्कुल नहीं बदलेगा. और एक चीज हम लोग देखें ना, हम लोग जब वेट के बारे में, मैं आप लोगों को जो थोड़ा बहुत बताई, आगे भी बताऊंगी वेट के बारे में, तो हम लोग वहाँ पर देखें कि जो वेट होता है वो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी जी में डिपेंड करता है. देखो इस फॉर्मूला में जी आया ना, वेट का एम इज डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी. अगर इस फॉर्मूला में, वेट का फॉर्मूला में जी आया, मतलब ये वेट जो है वो जी में डिपेंड करेगा. जी अगर बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ जाएगा, अगर जी फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर कम होता है ना, तो वेट भी कम आता है, ठीक है. लेकिन मास ऐसा कुछ भी चीज़ों में डिपेंड नहीं करता. मास जो है
वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी में डिपेंड नहीं करता। मास तो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ मैटर में। एक ऑब्जेक्ट में अगर ज़्यादा मैटर प्रेजेंट है तो उसका मास ज़्यादा होगा, अगर एक ऑब्जेक्ट में कम मैटर प्रेजेंट है तो उसका मास भी कम होगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर लिखी हूँ कि अगर मैं ऐसे पूछूँ या हम लोग अगर ऐसे सोचें कि क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से हम लोगों को अर्थ अपनी तरफ खींचता है, जिसको हम लोग वेट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स का बात कर रहा है, ये वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ हम लोगों को अपनी तरफ ऐसे करके खींचता है। तो मास उसमें बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है मास, और मास एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, ये चीज़ को याद रखना है। अब बात करते हैं मास का यूनिट के बारे में, कि जैसे कि हम लोग मास को जो मेज़र करते हैं तो इसका यूनिट क्या लिखते हैं। तो देखो, हम लोग पढ़े हैं जब भी हम लोग मास को मेज़र करते हैं तो बहुत सारा यूनिट्स हो सकता है, जैसे कि ग्राम हो सकता है, जैसे कि सेंटीग्राम हो सकता है, किलोग्राम हो सकता है, मिलीग्राम हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है। लेकिन जो SI यूनिट होता है मास का वो होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग KG करके बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं ना जाके 2 KG, 3 KG आलू, 4 KG लाइक जो भी ये सब चीज़ें जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर मतलब हम लोग मास का बात करते हैं। तो मास को हम लोग मेज़र करते हैं किस यूनिट, मतलब मास को जब हम लोग लिखते हैं तो कौन सा यूनिट को हम लोग यूज़ करते हैं, KG, ग्राम, ये सब चीज़ों को। नॉर्मली ये दो चीज़ ज़्यादा फेमस है, KG एंड ग्राम, हम लोग जब भी मास का बात करते हैं, क्योंकि अवर डे टू डे लाइफ में तो यही सब होता है ना। हम लोग ग्रॉसरीज लेने जाते हैं तो उसमें हम लोग लाइक जो भी आप लोग चीज़ें लेके आओगे तो वो तो आप लोग मास के हिसाब से, केजी के हिसाब से बस ही आप लोग लेके आते हो। तो वही हम लोग मेनली ये अगर केजी आ गया, ग्राम आ गया यूनिट में, मतलब मास का बात हो रहा है। तो मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी भी बोलते हैं। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी में बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है। अब मास का स्मॉलर यूनिट्स का भी बात कर लेते हैं, कि ज़रूरी नहीं है ना कि खाली हम लोग केजी में ही नापेंगे। ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं मास के जो छोटे होते हैं, जो अगर बहुत ही कम छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो उसका वजन थोड़ी ना किस में आएगा, केजी में आएगा, तो उसका ग्राम में आ सकता है, मिलीग्राम में आ सकता है, सेंटीग्राम में आ सकता है, डेसीग्राम में आ सकता है। तो ये सब स्मॉलर यूनिट्स होते हैं मास के। लेकिन अगर मैं बिगर यूनिट्स का बात करूँ तो बिगर यूनिट्स में क्विंटल है, ठीक है, टन होता है, बहुत सारे अलग अलग यूनिट्स होते हैं, पर ये दो फेमस है, क्विंटल टन, इसलिए मैं यहाँ पर बिगर यूनिट्स लिख दी हूँ। तो देखो, एक क्विंटल हम लोग किसको बोलते हैं, एक्चुअली अगर 100 KG का कोई भी चीज़ है, ठीक है, 100 KG मतलब खूब भारी होगा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा उसका मास है 100 KG, तो 100 KG के लिए हम लोग 1 क्विंटल बोल सकते हैं, मतलब 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 KG। और अगर मैं टन का बात करूँ, क्योंकि मैं तो यहाँ पर बिगर यूनिट्स का बात कर रही हूँ ना, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा यूनिट है तो जैसे कि हम लोग टन को भी यूज़ करते हैं, तो टन हम लोग कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग 1000 KG का बात करते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास 1000 KG आ रहा है तो आप लोग वहाँ 1 टन बोल सकते हो, 1 टन है। और अगर एक ऑब्जेक्ट का मास अगर आ रहा है 100 KG तो हम लोग वहाँ पर 1 क्विंटल करके बोल सकते हैं। तो ये सब देखो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा यूनिट्स है, ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको बिगर यूनिट्स बोलते हैं। तो क्विंटल एंड टन बिगर यूनिट्स में आते हैं। और स्मॉलर यूनिट्स में क्या क्या चीज़ें आए थे, स्मॉलर यूनिट्स में आ जाएंगे ग्राम, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि हाउ टू मेज़र मास। मास को जो हम लोग मेज़र करते हैं, आप लोग जब जाते हो मार्केट कोई भी चीज़ लेने, लाइक अगर राशन का मैं बात करूं तो वहां पर देखना आप लोग चीज़ों को, वो क्या करता है, आप लोग दुकानदार को जो भी मांगते हो तो वो क्या करता है, उसको वो मेज़र करके देता है ना, तोल के देता है। तो वहां पर जो वो मेज़र करता है वो मास मेज़र करता है, क्योंकि वो देखना 2 KG, 3 KG, 10 KG, वो KG के हिसाब से देता है, KG के हिसाब से हम लोग लेते हैं। तो KG आ गया, मतलब मास का बात हो रहा है। तो वहां पर वो क्या चीज़ यूज़ करता है आप लोगों को सामान देने के लिए, मीन्स वो जब मेज़र करता है तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट या कौन से डिवाइसेस को वो यूज़ करता है, ताकि आप लोग जो भी सामान ले रहे हो वो आप लोगों को अच्छे से मेज़र करके दे पाए। तो आप लोग देखे होंगे इस टाइप का चीज़ जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं। तो ये होता है नॉर्मली बीम बैलेंस। आप लोगों की बुक में अच्छा फोटो दिया होगा, यहाँ ऐसे ही मैं बना दी हूँ। ओके, तो बीम बैलेंस का मतलब होता है तराजू। तो बीम बैलेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं। ये बहुत ही बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन सा एक इंस्ट्रूमेंट है। पहले के ज़माने में तो यही चीज़, अभी भी बहुत जन इसको यूज़ करते हैं,
ठीक है, यही यूज होता था टू मेजर द मास। अब आप लोगों को याद आ गया होगा ना, मार्केट में तराजू में तोलते हैं वो लोग, ठीक है, तराजू में तोल के वो लोग देते हैं, तो वो लोग मास मेजर करते हैं, तो बीम बैलेंस को यूज करते हैं। वैसा ही एक होता है फिजिकल बैलेंस। देखो यहाँ पर आप लोगों को फोटो दिखता होगा फिजिकल बैलेंस का साइड में। देखो फिजिकल बैलेंस हम लोग ऐसे मार्केट में यूज़ नहीं करते हैं, मतलब ऐसे ग्रॉसरीज आइटम के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते। फिजिकल बैलेंस दिखता है बीम बैलेंस जैसा ही, मतलब तराजू जैसा ही होता है वो, लेकिन ये ना लैब में और जो ज्वेलरी शॉप्स होते हैं ना वहाँ पर यूज़ होते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जो फिजिकल बैलेंस होता है वो एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए काम आता है, एकदम एक्यूरेसी होता है उसमें, ठीक है, इसलिए ज्वेलर्स लोग इसको यूज़ करते हैं। लैब में देखो हम लोग साइंटिफिक पर्पज़ के लिए लैब में देखना, हम लोग कोई भी चीज़ों को लाइक यूज़ करते हैं ना, तो एग्जैक्ट उसका लाइक मास होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा भी इधर उधर का हुआ, मेनली ये ना फिजिक्स लैब में यूज़ होता है, केमिस्ट्री में उतना यूज़ नहीं इसका, फिजिक्स लैब में ज़्यादा यूज़ होता है। तो मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए हम लोगों को भी ध्यान देना पड़ता है कि हम लोग करेक्ट मास यूज़ कर रहे हैं, एग्जैक्ट मास, क्योंकि अगर थोड़ा भी कम या ज़्यादा कोई भी चीज़ का हुआ ना तो एक्सपेरिमेंट फेल हो सकता है। इसीलिए लैब में यूज़ होता है और ज्वेलरी शॉप में यूज़ होता है, ताकि एक्यूरेट एक्यूरेसी यहाँ पर हो और एक्यूरेट मेजरमेंट हो सके। इसीलिए फिजिकल बैलेंस को मास मेजर करने के लिए लैब में और ज्वेलरी शॉप में यूज़ किया जाता है फॉर एक्यूरेसी। बीम बैलेंस तो हर जगह पाया जाता है, बीम बैलेंस तराजू हर मार्केट में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। लेकिन आजकल क्या है ना, थोड़ा सा मॉडर्न ज़माना है, थोड़ा क्या काफ़ी मॉडर्न ज़माना है, तो आजकल ना ये सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते, ट्रेडिशनल मेथड को आजकल छोड़ दिए ना यूज़ करना। आजकल मेनली लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। मेरे पास भी है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, तो देखो ये है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, ये बहुत जगह यूज़ होता है, लैब में भी इसको यूज़ करते हैं हम लोग, केमिस्ट्री लैब में इसको लाइक कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो कितना सॉल्ट हम लोग को लेना चाहिए, 2 ग्राम या 3 ग्राम, तो हम लोग इसी में मेज़र करते हैं, तो ये है इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन काफ़ी लाइक यूज़ में है, इसमें भी हम लोग मास को मेज़र करते हैं। देखो अभी यहाँ पर आप लोगों को इसका रीडिंग दिखता होगा, एक मिनट हाँ, ये एमएल में आ गया, इसको नीचे रखने से ये ठीक दिखाएगा, जस्ट वेट। ओके अभी ये देखो ये ग्राम में है, अभी ये 0 ग्राम करके दिख रहा है, अगर मैं इसको उठाऊंगी तो फिर से इधर उधर हो जाएगा इसका रीडिंग, हाँ इधर उधर हो जा रहा है। सो इसको मैं 0 ग्राम में ऐसे रखी हूँ, ये नॉर्मली 0 ग्राम में है। तो आप लोग थोड़ा इस टाइप से मैं इसको सेट कर दूँ आप लोगों को लाइक क्लियरली दिखाने के लिए। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों का मास को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मुझे यहाँ पर सोच लो ये पैन का, ये जो मैं पैन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ना, सोच लो मुझे इसका मास निकालना है, तो मैं काम करती हूँ इसके ऊपर रख दे रही हूँ, आप लोगों को आधा दिख रहा है बिकॉज फिर ये रीडिंग आप लोगों को दिखेगा नहीं। अभी ये 0 ग्राम में है, अभी देखो मैं इसमें रख दी, तो ये मेरा पैन का कितना आया मास, 7 ग्राम आया, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अभी सोच लो बच्चों, अभी मुझे ये जो मेरे ग्लास का जो ये केस है, ठीक है, मुझे इसका नापना है अलॉन्ग विद द ग्लास, तो मैं इसका भी नापती हूँ, इसका मास कितना आएगा, जिसमें रख देते हैं हम लोग, तो ये कितना आ रहा है, दिस इज़ कितना रीडिंग दिखा रहा है, 149 ग्राम, ठीक है, ये 149 ग्राम का है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। अब किसको हम लोग मेज़र करें, अब हम लोग अपना बुक को मेज़र करते हैं, नहीं बुक को नहीं, अभी मैं अपना इसको मेज़र करती हूँ, ओके स्पेक्स को, इसको भी रख देते हैं, ये कितना आया, ये 25 आया ना, यस 25 आया, मैं उल्टा 52 पढ़ती, 25 ग्राम इसका आया, तो ये 25 ग्राम का है जो हम लोग कैरी करते हैं। और भी ऐसे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ का नाप सकते हैं, एक्चुअली हम लोग इसको ला रखे हैं ताकि हम लोग लाइक जो भी चीज़ें बनाते हैं अगर कुछ भी, तो लाइक वो नापने उपने में काम आ जाता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये है वही इलेक्ट्रॉनिक मशीन, आप लोग देखे होंगे और बहुत जन के पास होगा भी ये चीज़ें। तो बच्चों आप लोग सोचते होगे ना कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन है इसका मैं क्या करती हूँ, तो ऐसे तो मेरा ये कुछ काम नहीं आता है, देखो आज आ गया वीडियो के लिए, वरना ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ये मेरा भाई अपने फूड अरीना के वीडियोस के लिए काफ़ी यूज़ करता है। फूड अरीना एक्चुअली एक यूट्यूब चैनल है विच इज़ स्टार्टेड बाय माई ब्रदर, जिसमें आप लोगों को काफ़ी टेस्टी लाइक फूड की रेसिपीज़ मिलेंगे, वो वैसे ही अपलोड करता है। अगर आप लोग अभी तक फूड अरीना को विजिट नहीं करे हैं तो उसका लिंक मैं सबसे ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाइए सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपीज़ को ट्राई कीजिए, और अगर आप लोगों को लाइक अच्छा लगा होगा
तो वहाँ पर आप लोग या तो आप लोग वहीं पर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो, या फिर आप लोग मुझे यहाँ आके बताइएगा कि आप लोगों को मेरे भाई का फूड अरेना चैनल कैसा लगा। तो आप लोगों को तभी पता चल गया होगा ना कि हम लोग मास्क को कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करके लाइक मेजर करते हैं। तो देखो, मास्क के बारे में जितना पढ़ना था हो गया। अभी का जो टॉपिक है वो है वेट। वेट क्या होता है, अगेन मैं यहाँ पर वापस से उसका फॉर्मूला लिख दे रही हूँ। वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, वेयर एम इज मास एंड जी क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी मुझे बताओ कौन एग्जर्ट करता है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी को अर्थ एग्जर्ट करता है हर एक बॉडी में, और वो उसको अर्थ की तरफ मतलब अपने तरफ और नीचे की तरफ पुल करता है। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, मैं आप लोगों को देखो पहले भी बता चुकी हूँ जब हम लोग मास के बारे में पढ़ रहे थे। तो वेट एक्चुअली एक फोर्स होता है, जैसे कि एक ताकत होता है ना, तो वेट भी एक टाइप का ताकत है, फोर्स है, विथ विच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर। मतलब अर्थ एक फोर्स के साथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को अपने तरफ खींचता है, उसी फोर्स को तो हम लोग वेट भी बोलते हैं, और वही ग्रेविटेशनल पुल भी होता है। लेकिन वेट जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एम जी। सो इट इज द फोर्स विथ विच, वेट इज वन टाइप ऑफ फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेल्फ टूवर्ड्स इट्स सेंटर, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल नहीं, एक एक्स्ट्रा चीज मैं आप लोगों को बता दूं, वेट जो होता है ना वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। जैसे कि सोच लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जमीन है, ठीक है, ये ग्राउंड है और ये एक ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर ए लिख दे रही हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट का जो वेट है, इसका जो वजन है, अब तो आप लोगों को मैं जस्ट बताई हूँ कि वजन एक टाइप का फोर्स है, अर्थ ऑब्जेक्ट्स को घिसता है नीचे की तरफ, तो वेट भी ऑब्जेक्ट का हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ ही हमेशा वेट ऑब्जेक्ट का लाइक एक्ट करता है। तो वेट का फॉर्मूला हो जाता है W इज इक्वल टू एम जी, जो कि हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। कभी भी वेट ऊपर के डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है, क्योंकि अर्थ हमेशा चीज़ों को नीचे की तरफ खींचता है, ठीक है। अब वेट जो है, वेट कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, मैं आप लोगों को बोली थी वेट कांस्टेंट नहीं है, वेट बदलता रहता है। तो वेट को हम लोग बोलते हैं कि वेट एक वेरिएबल क्वांटिटी है। पर क्यों बदलता है वेट, क्यों? क्योंकि जो वेट है, आप लोगों को फॉर्मूला में देखो, आप लोगों को फॉर्मूला में आंसर मिल जाएगा। वेट का फॉर्मूला होता है एम इंटू जी। मास तो आप लोगों को पता है ना, कभी बदलता नहीं है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन ये जो जी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये बदलता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये याद रखना। ये पोल्स में कुछ अलग होगा इसका वैल्यू, ठीक है, इक्वेटर में अलग होगा, आप लोगों को पता होगा पोल्स इक्वेटर में किसका बात कर रही हूँ। आप लोग मून में अगर जा रहे हो तो मून में ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू अलग है। तो वेट इस जी में डिपेंड करता है, और ये जी जो है वो खुद सेम नहीं है, वो तो हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए वेट भी जो जी में डिपेंड करता है, जी बदलता है तो वेट भी बदलता रहता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर मैं जो बोलना चाह रही थी, आप लोग शायद समझ गए होंगे। अगर नहीं समझो तो एक बार फिर से रिवाइंड करके आप लोग फिर से आप लोग थोड़ा सा समझो। बहुत सिंपल सा चीज़ है, वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, वो बदलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है ना जिस चीज़ में, किस में डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस जी में, तो वो जी भी बदलता रहता है। एक्चुअली जी बदलता है इसलिए वेट भी बदलता रहता है। कितना सिंपल है देखो। और वेट का डायरेक्शन क्या है, अगर बाय चांस, देखो अभी तो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन बाय चांस अगर आपको कोई पूछ दिया कोई टीचर ऑनलाइन क्लास में कि वेट कौन से डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो वही देखो, हम लोग उसमें केजी का बात किए थे, वो ऐसा ही यूनिट था मास का, ग्राम का बात भी किए, कहीं पर क्विंटल का बात किए, कहीं पर टन का बात किए। तो वेट का जब हम लोग यूनिट का बात करते हैं ना, तो वेट में आता है न्यूटन। न्यूटन आप लोग सुने होंगे, आप लोग जब फोर्स को मीन्स जब आप लोग फोर्स का बात करते हो ना, वहाँ पर उसका यूनिट होता है न्यूटन। वेट भी एक टाइप का फोर्स है, अगर वेट एक टाइप का फोर्स है तो इसका भी यूनिट क्या होगा, न्यूटन। आप लोगों को पता होगा ना, न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, तो न्यूटन का जब हम लोग नाम लिखेंगे ना यूनिट में, तो एन छोटा होगा जब हम लोग यूनिट लिखते हैं, लेकिन जब उसका सिंबल देंगे तो एन कैपिटल। इसको याद रखना, मार्क्स कट जाएगा वरना, ठीक है। तो वेट का जो यूनिट होता है ना, वो होता है न्यूटन। अब आप लोग मुझे बताओ, मार्केट जाते हो, सामान लेने जाते हो, क्या बोलते हो, भैया मुझे 4 न्यूटन आलू देना, हाँ 4 न्यूटन पोटैटो या फिर टमाटो देना, बोलते हो क्या? नहीं बोलते हो ना, क्या बोलते हो? 4 kg, 2 kg, मतलब हम लोग मास का बात करते हैं एक्चुअल में वहां पर, ठीक है। वेट का जब भी बात होगा तो उसका यूनिट न्यूटन आएगा, क्या आएगा,
न्यूटन। लेकिन एक और चीज़ है, देखो एक और यूनिट है इसका। देखो वेट के लिए बोल रहा है कि वेट को तो ऐसा ही यूनिट तो न्यूटन होता है, लेकिन इसको अगर हम लोग कोई अलग यूनिट में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम लोग KGF या फिर GF में यूज़ कर सकते हैं। अब KGF किलोग्राम फोर्स, जिसको हम लोग KGF बोलते हैं, और जो GF है इसको सुन के खुश मत होना, GF इज ग्राम फोर्स, ठीक है ना। तो वेट को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं या तो KGF में या फिर GF में। KGF मीन्स किलोग्राम फोर्स और GF का मतलब होता है ग्राम फोर्स। अब 1 KGF का वैल्यू देखो क्या होता है। 1 KGF एक्चुअल में होता है 9.8 न्यूटन, क्योंकि ये न्यूटन से ही हम लोग रिलेट कर सकते हैं। अगर मैं कभी बात करी, अब मैं क्या, अगर आपको टीचर्स आपके पूछे कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 1 KGF इन न्यूटन बताओ, तो हम लोग वहाँ क्या बोलेंगे, या तो 9.8 न्यूटन बोलेंगे या फिर हम लोग बोलेंगे 10 न्यूटन। मतलब 1 KGF का वैल्यू 10 न्यूटन के बराबर है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, 1 KGF को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। देखो बहुत सिंपल है KGF को डिफाइन करना। KGF का मतलब सोच लो, एक तो बॉडी है जिसका मास है 1 kg, 1 kg का कोई बॉडी है, सपोज सोच लो ये 1 kg का बॉडी है, ठीक है। ये जो बॉडी है, इस बॉडी को अर्थ घिंचेगा, ऑब्वियसली अर्थ तो हर बॉडी को घिंचता है ना अपने तरफ, एक पुल के साथ, एक फोर्स के साथ वो घिंचता है। तो ये 1 kg का बॉडी को अर्थ जिस ताकत से, जिस फोर्स से अपने तरफ घिंचेगा टूवर्ड्स इट्स सेंटर, उसी फोर्स को मैं बोलूंगी 1 KGF। 1 KGF मतलब 1 kg का बॉडी ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ जिस फोर्स के साथ अपने तरफ खींचेगा उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं 1 KGF। और 1 KGF कितना न्यूटन के बराबर होता है, 10 न्यूटन के बराबर। आई होप सबको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। अगर समझ में आ जाएगा ना तो आप लोगों को रट्टा मारना नहीं पड़ेगा, याद रखना। और GF, अगर मैं 1 GF को डिफाइन करने बोलूं, एकदम सिंपली हो सकता है 1 GF में, जैसे कि 1 KGF में 1 kg का बॉडी लिए थे ना, 1 GF में हम लोग नॉर्मली 1 ग्राम का बॉडी ले सकते हैं। सो इट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी ऑफ 1 ग्राम टूवर्ड्स इट्स सेंटर। देखो कितना सिंपल है ना ये, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि वेट को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। अब मास के लिए तो हम लोग देख लिए दैट तराजू, फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस और इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन। बट वेट को नापने के लिए सबसे फेमस, सबसे कॉमन सा फैमिलियर चीज जो लैब में तो अलग अलग साइज का प्रेजेंट है, वो होता है स्प्रिंग बैलेंस। तो आप लोग स्प्रिंग बैलेंस शायद देखे होंगे, ठीक है, शायद नहीं भी देखे होंगे, बिकॉज स्कूल तो आप लोग गए नहीं ना लास्ट ईयर। अदरवाइज इसका एक्सपेरिमेंट्स में लाइक दिखाते हैं टीचर्स, ठीक है, लैब में, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो और गूगल भी आप लोग कर सकते हो। ऑब्वियसली अलग अलग इसका साइज होता है। तो हम लोग जिस इंस्ट्रूमेंट को, जिस डिवाइस को यूज करते हैं टू मेजर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका नाम होता है स्प्रिंग बैलेंस। अब नाम इसका स्प्रिंग बैलेंस है तो ऑब्वियसली इसमें स्प्रिंग प्रेजेंट होता है, इसके अंदर में स्प्रिंग प्रेजेंट होता है, ठीक है। आप लोगों को दिखता होगा ना ये स्प्रिंग, तो यहाँ तक ऐसे स्प्रिंग इसमें लगा रहता है। ऊपर में रिंग है, आप लोग इसको कहीं भी टांग सकते हो, ठीक है, गांठी वाटी कहीं पर भी आप लोग इसको टांग सकते हो, हैंग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो ये ऐसे ऐसे में जो राउंड राउंड करके बनाई हूँ स्ट्रक्चर थोड़ा कॉइल्ड, वो है स्प्रिंग। और स्प्रिंग के लास्ट में पॉइंटर होता है, पॉइंटर होता है स्प्रिंग के लास्ट में, ठीक है। स्प्रिंग के लास्ट में क्या दिया है, पॉइंटर यहाँ पर दिया है। ये एंड जो है ना यहाँ पर ऐसे हुक जैसा है, जहाँ से हम लोग कोई भी लोड को अटैच कर सकते हैं। अब लोड का मतलब कोई भी सामान जिसका आप लोगों को वजन नापना है, ठीक है, ऐसा कोई भी सामान जिसका आप लोगों को वजन नापना है उसको हम लोग यहाँ से, मतलब यहाँ से हम लोग उसको सस्पेंड करते हैं, ठीक है, यहाँ से। उसके बाद आप लोग सोच लो यहाँ पर, जैसे कि पहले पॉइंटर जीरो में था, ठीक है, पहले पॉइंटर जीरो में था, जब हम लोग यहाँ पर लोड को लटकाए तो स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग तो नीचे घिंचाएगा बिकॉज वजन नीचे की तरफ हमेशा एक्ट करता है वेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आप लोग कोई भी ऑब्जेक्ट का जिसका आप लोगों को वेट नापना है, आप लोग यहाँ पर उसको लगा दिए, सस्पेंड कर दिए। जैसे ही आप लोग करोगे, जो पॉइंटर पहले जीरो में था, ये जो पॉइंटर दिख रहा है ना, ये जीरो में रहता है, वो नीचे की तरफ घिंचाएगा और वो जिस रीडिंग में वो आएगा वो हो जाएगा उसका क्या, वो हो जाएगा उसका वेट। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ये रीडिंग, तो यहाँ पर इसका स्केल है जो कि इसमें रहता है। बुक में देखना आप लोग फोटो, उसमें भी ऐसे स्केल प्रेजेंट रहता है। उसमें क्या है ना, हम लोगों के लिए इजी रहता है कि हम लोग डायरेक्टली आराम से इजीली हम लोग कन्वीनियंटली यहाँ पर वजन को, वजन इन द सेंस मैं वेट का बात कर रही हूँ, वेट को मेजर कर सके।
तो इसमें रीडिंग दिया रहता है, साइड में स्केल दिया गया है, पॉइंटर होता है। जैसे आप लोग लोड अटैच करोगे, स्प्रिंग नीचे की तरफ घिंचाएगा, जिस जहां पर भी उसका रीडिंग आएगा वो हो जाएगा उसका वेट। तो जब वेट लिखोगे तो न्यूटन लिखना, ग्राम मत लिखना या केजी मत लिखना, वरना हो जाएगा व्हाट, दिक्कत। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है, तो मेनली इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट व्हेन लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग का ये लोअर एंड है, जब लोड को हम लोग यहाँ से टंगाते हैं, सस्पेंड करवाते हैं, तो जो स्प्रिंग होता है वो स्ट्रेच होता है। ऑब्वियसली कोई भी चीज के साथ, अगर स्प्रिंग है, अगर आप लोग स्प्रिंग का एक एंड में आप लोग कोई भी चीज़ को लटकाओगे तो स्प्रिंग तो ऐसे स्ट्रेच तो होगा ही होगा ना, ऑब्वियसली होगा। तो बस वही है कि अगर एक एंड में हम लोग लोड लटकाते हैं, सस्पेंड करवाते हैं, तो ये स्प्रिंग जो है वो स्ट्रेच होता है, और जितना भारी, जितना ग्रेटर होगा लोड, उतना ज़्यादा स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग दिखेगा। यहाँ देखो, जितना हैवी लोड होगा उतना ज़्यादा स्प्रिंग का स्ट्रेचिंग होगा और उतना ज़्यादा रीडिंग आएगा। एकदम सिंपल है, सिंपल सिंपल चीज़ों को ही मैं यहाँ पर बता रही हूँ। नाउ मास एंड वेट। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को आवाज़ में थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना सुनने में, अगर क्लैरिटी अच्छे से नहीं है आवाज़ में, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर एक्चुअली बारिश आ रहा है ड्यू टू दैट साइक्लोन यास। ठीक है, हम लोग के एरिया में तो उसका उतना इफेक्ट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा बहुत तो मौसम में तो चेंजेस आ ही जाता है। अगर आप लोगों को दिक्कतें आ रही हैं तो थोड़ा तो आज आप लोग इस वीडियो में एडजस्ट करो। ओके, देन मास एंड वेट का डिफरेंस हम लोग देखते हैं। देखो, मास एंड वेट का बहुत 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 इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस आता है एग्जाम में। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, मास एंड वेट का डिफरेंस। सो मास, अब आप लोगों को पता है, जब भी हम लोग डिफरेंस का बात करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले उसका डेफिनेशन। तो यहाँ पर मास का डेफिनेशन, यहाँ पर वेट का डेफिनेशन। मास का डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंड इन एन ऑब्जेक्ट। और वेट का क्या है, इट इज़ द फोर्स विथ विच अ बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ टूवर्ड्स इट्स सेंटर। सेकेंड, मास कैसा क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट, जो बदलता नहीं है, लेकिन वेट वेरिएबल है। मास फोर्स ऑफ ग्रेविटी में डिपेंड नहीं करता, लेकिन वेट डिपेंड करता है। अभी नेक्स्ट, मास कभी भी जीरो नहीं होता है। अमाउंट ऑफ मैटर कैसे जीरो हो जाएगा, कोई भी बॉडी का नहीं होगा ना। सो मास कैन नेवर बी जीरो, लेकिन वेट जो है वो जीरो हो सकता है। कब जीरो होगा, जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगा, होता है जीरो। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ बोलते हैं कि जी होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, उसका वैल्यू जीरो हो जाता है। उसके बारे में हम लोग कभी और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेट जीरो हो सकता है। देन उसको और डिफरेंस में क्या लिख सकते हैं, एसआई यूनिट। मास का एसआई यूनिट केजी एंड वेट का हो जाता है न्यूटन। और लास्ट, जो सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है, इट इज़ मेजर्ड इन बीम बैलेंस, या फिर आप लोग फिजिकल बैलेंस यहाँ लिख सकते हो। लेकिन वेट को हम लोग किस में मेजर करते हैं, वेट को हम लोग मेजर करते हैं स्प्रिंग बैलेंस में। तो ये बच्चों, आप लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। मोशन चैप्टर काफ़ी लंबा गया है, ऑब्वियसली काफ़ी लंबा चैप्टर था मोशन। ठीक है, तो ये आप लोगों का चैप्टर खत्म हो गया। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोगों को तो पता है आप लोगों को क्या करना है, और बताने का दरकार है नहीं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा।